Let's see another problem, same kind. But here we are testing given number is belongings to a given range or not. Means is by using this concept or different cases, here we are checking lower limit and upper limits. Means agar aapke paas koi bhi number available ho, number ke case mein check karna given number a particular range mein exist kar raha hai ki nahi kar raha hai. Like a minimum range or maximum range, like that. First of all, to check given number is between 1, what is mean by between 1 and 65? To check the given number is between 1 and 65, means number must be greater than equals to 1 and number must be less than equals to 365. This expression ka meaning kya hua? Means agar aapko check karna hai, means here 1 is nothing but it is a minimum range or minimum limit. 365 nothing but it is a maximum limit. It is maximum limit. How to check given number is greater than 1 or not? In that case, sabse pehle condition kiske liye lagayenge? Minimum ke liye, then maximum. Minimum means how to check given number is greater than equals to 1 or not. Means check the given number is greater than equals to 1. Iske liye condition kya use karo? Simply relational operator. Jab bhi aapko smaller or larger ke form mein koi relation apply karna, always use karenge relational operator. In that case, suppose we are having some number NO. Check the given number is greater than equals to 1. Simply readable form mein bhi kya write ho raha hai? Given number is greater than equals to 1. अगर नंबर का वैल्यू या तो 1 के इक्वल या 1 से बड़ा है, देन ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू. सेम है सेकंड कंडीशन क्या है? मैक्सिमम लिमिट मींस इस नंबर का वैल्यू क्या होना चाहिए? बिलो 365. मिनिमम लिमिट मींस नंबर कैसा होना चाहिए? एबो 1. बिलो 365 के केस में अप्लाई क्या करेंगे? नंबर लेस देन इक्वल्स टू 365. मींस इस सेकंड कंडीशन के बेस पर नंबर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? अप टू दैट रेंज. जैसे ही नंबर इस रेंज को क्रॉस करेगा देन कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. देन लेकिन 365 के केस में अगर सपोज दैट नंबर मैंने प्लेस किया समथिंग -5, -5 365 से तो छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है क्या? नहीं. इसलिए दोनों ही लिमिट अप्लाई करो. मींस इस केस में दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए. मींस अप्लाई क्या करेंगे? एंड ऑपरेटर. मींस अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, मोर देन वन कंडीशंस, तो इनको कंबाइन करने के लिए यूज क्या करेंगे? ऑलवेज लॉजिकल एंड ऑपरेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल एंड के केस में फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगा. फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स है, फॉल्स मींस सपोज दैट नंबर का वैल्यू क्या है? -2. -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स. फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन लॉजिकली टेस्ट करने की नीड ही नहीं होगी. अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है देन आप डिस्प्ले क्या कराओगे? रिटर्न क्या करोगे इससे? रिटर्निंग मैसेज आइदर यस और नो और नो. इस केस में फाइनली रिजल्ट क्या है? नो. आइदर यस या नो. मींस यस और यस एंड नो का मीनिंग क्या है? इस परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन बेस्ड ऑन दिस कंडीशन. मींस यस के प्लेस पर आप रिक्वायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करो, नो के प्लेस पर अल्टरनेटिव ऑपरेशंस. क्लियर इज दैट वन. सिमिलरली प्रॉब्लम 4 के रिस्पेक्ट में बात करना है अगेन. इन दैट केस फिर से इस केस में गिवन क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट. टू चेक गिवन नंबर इज बिटवीन 1 एंड 12 और नॉट. 1 और 1 एंड 12 मींस 1 इज अ मिनिमम रेंज और मिनिमम लिमिट और लोअर लिमिट, 12 इज अ मैक्सिमम लिमिट. मींस नंबर मस्ट बी, नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड नंबर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 12. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, पुट दिस कंडीशन एज कंडीशनल ऑपरेटर. देन इस केस में अगर एक कंडीशन ट्रू है देन करेस्पॉन्डिंग मैसेज रिटर्न करेंगे इसे एज अ यस और ट्रू और नो और फॉल्स. क्लियर? सिमिलरली सेम एज फॉर वी आर टेस्टिंग लिमिट्स फॉर बिटवीन 1 एंड 7. मिनिमम लिमिट क्या है इस केस में? 1. और मैक्सिमम लिमिट क्या है? 7. तो अभी भी एक्सप्रेशन कैसा रहेगा? एग्जैक्टली सेम, ओनली 12 के प्लेस पर मैक्सिमम लिमिट क्या आ जाएगा? 7. द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड प्रॉब्लम. सेम एज नेक्स्ट वन वी आर टेस्टिंग फॉर प्रॉब्लम 2. प्रॉब्लम 2 के केस में मिनिमम रेंज क्या है? 1000. नाउ रिप्लेस 1
इस नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000, इस नंबर का वैल्यू 1000 से बड़ा होना चाहिए बट 5000 से छोटा होना चाहिए। तो मैक्सिमम लिमिट क्या राइट करेंगे इस प्लेस पर, नंबर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5000। हाउ टू रीड द एबो एक्सप्रेशन, रीड दिस लाइक नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 एंड नंबर लेस देन इक्वल्स टू 5000। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है देन इस रिटन क्या होगा, यस अदरवाइज नो। सेम एज प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम वन के केस में अगर अगेन बात करें तो मिनिमम लिमिट क्या है इस केस में 10 एंड मैक्सिमम लिमिट 50, देन 10 एंड 50 लाइक दैट। सपोज दैट वी आर हैविंग सम क्वेश्चन लाइक दैट, चेक द गिवन नंबर इज बिटवीन 10 एंड 5। लॉजिकली बात करें, लॉजिकली क्वेश्चन कैसा है, इनकरेक्ट। मीन्स अगर नंबर 10 से बड़ा है, इफ दिस नंबर 10 इज मिनिमम लिमिट और 5 इज 5 मैक्सिमम लिमिट, देन दिस क्वेश्चन कैसा है, इनवैलिड क्वेश्चन। बिकॉज ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिसका वैल्यू 10 से बड़ा हो एंड सेम टाइम पर 5 से छोटा हो। एट ए टाइम या तो 10 से बड़ा हो सकता है या 5 से छोटा हो सकता है। बिकॉज अगर कोई नंबर 10 से बड़ा हो देन वो 5 से छोटा होना पॉसिबल ही नहीं है। सेम अगर नंबर 5 से छोटा देन 10 से बड़ा होना पॉसिबल, देयरफॉर लिमिट कैसा है, इनवैलिड लिमिट। क्लियर?